तो यहाँ पे आप देखोगे तो दूसरे घर में शुक्र का बुध के जुपिटर के घर में होना अच्छा नहीं है। जुपिटर के घर कौन से होते हैं? 2, 5, 9, 11, 12, ये देखो। और यहाँ पर भी देखो, 9वें घर में देखो बुध का होना। हालांकि इस तरीके की प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल होती है, मगर जब आप बैक ट्रैक करना शुरू करेंगे ना, जब आप ट्रेस करना शुरू करेंगे इवेंट को, तो पहले आपको क्या होगा, पहले आपको थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी कुछ चार्ट पे। आप खुद क्लाइंट से पूछोगे, अच्छा बताइए उस साल क्या हुआ था, इस साल क्या होता, तो आप वो जब वो बता रहे हो तो आप नोट करते चलो, और जब वो कंसल्टेशन ओवर हो जाए तब उस वक्त में आप वर्षफल कुंडली बनाओ और देखो क्या हुआ था। तो आप जब रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, इवेंट को बैक ट्रैक करेंगे, ट्रेसिस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ऐसा क्यों हुआ। तो तब आप क्या करोगे, फ्यूचर के प्रिडिक्शन आप खुद कर पाओगे, फिर वर्षफल कुंडली बना के, तब आपको इजी हो जाएगा। और ये इजी अभी तो हमने 2 ही क्लासेस करी हैं। जब हम मंगल भी, जब हम शनि भी पढ़ लेंगे, राहु भी पढ़ लेंगे, मून भी पढ़ लेंगे, सूर्य भी पढ़ लेंगे, तो आपको और आसानी हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो एक तो बुध की बरकत जा रही है, दूसरी आप देखो चौथे घर में राहु अच्छा नहीं होता। जब मैं राहु पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने 2 ही पढ़े हैं ना, मंगल और जुपिटर, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है। बट साथ साथ आपको इसलिए दिखाता चल रहा हूँ कि आपको एकदम से ओवरवेलमिंग ना लगे सिचुएशन, जब सारे के सारे प्लैनेट कर ले, और इसलिए आपको एज अ सैंपल